हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला। मैंने यहाँ पे आधा किलो पनीर लिया है, जिसका मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया है। काजू, मगज, टोमेटो प्यूरी, ऑनियंस, कैप्सिकम, किशमिश, लहसुन, चिली, सूखा मिर्च, मटर, दूध। मटर को मैंने बॉईल कर लिया है और प्याज यहाँ पे लगे गए। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है। ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, खड़े मसाले, बटर, कश्मीरी लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले मैं यहाँ पे पनीर को मैरिनेट करके रख दूंगी। इसके लिए हल्दी, नमक थोड़ा चाहिए, हल्का सा नमक दीजिए, लहसुन पेस्ट, अदरक, कश्मीरी लाल मिर्च हल्का, इसको मैं मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। अच्छे से इसको मैरिनेट कर लीजिए। नमक, लहसुन, अदरक पेस्ट और कश्मीरी लाल मिर्च जैसे पूरा मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख, तब तक मैं काजू थोड़ा सा मैं रख दूंगी और चार मगज को मिक्सी में पेस्ट बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा दूध दे दीजिए। इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ अभी। इसका मैंने पेस्ट बना लिया, देख ही सकते हैं, काजू और चार मगज का। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच करीब ऑयल दे दे रही हूँ। अब मैं इसमें ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें मैं पनीर डाल दूंगी। पांच मिनट तक इसको थोड़ा देर के लिए फ्राई कीजिए। हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। थोड़ा सा ऑयल दीजिए इसमें फिर से। इसके बाद जो मैंने खड़े मसाले रखे थे उसको दीजिए। इसके बाद आप इसमें रखा था अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने रखा था, कश्मीरी लाल मिर्च दे दीजिए, कलर इससे अच्छा आएगा। इसके
इसमें टोमेटो प्यूरी जो मैंने किया था वो दे दी। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक दे दीजिए। पनीर में मैंने नमक दिया था इसलिए थोड़ा दे दी ज़्यादा। धनिया पाउडर जो मैंने रखा था हल्दी थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कीजिए जब तक इसका कच्चापन चले जाए। मैं इसमें मटर दे दी हूँ। आप इसमें मटर दे भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ऑयल निकल जाए तब आप इसमें जो मैंने काजू और मगज का पेस्ट किया था वो मैं इसमें दे दूँगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी समझ में आए। इसमें पनीर दे दूंगी। अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी और जो दूध मैंने रखा था उसको मैं दे दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं फ्राई पैन को गर्म कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा बटर दे दीजिए। सूखा लाल मिर्च लहसुन मैंने काजू बादाम रखा था प्याज कैप्सिकम नमक दे दीजिए। अब इसमें किशमिश और जो मैंने चिली काट के रखा था वो दे दीजिए। आप लोग अगर ऐसे फ्राई करके इसको देंगे तो इसका अरोमा बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी दे के इसे हाथ में
कुछ देर के लिए इसको रख दूंगी। देख ही सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको घर में ज़रूर बना के देखिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी पूरा समझ में आए। और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं। बाय बाय।